नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे मरने के बाद प्रेत ने आकर बोला, मेरा श्राद्ध करो तभी मेरा उद्धार होगा। भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता है कि जीते जी तो विभिन्न संस्कारों के द्वारा, धर्म पालन के द्वारा मानव को समुन्नत करने के उपाय बताती ही है, लेकिन मरने के बाद भी, अंत्येष्टि संस्कार के बाद भी जीव की सद्गति के लिए किए जाने योग्य संस्कारों का वर्णन करती है। मरणोत्तर क्रिया संस्कारों का वर्णन हमारे शास्त्र पुराणों में आता है। अश्विनी गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों में एवं महाभारत, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में यथा स्थान किया गया है। दिव्य लोकवासी पितरों के पुनीत आशीर्वादों से आपके कुल में दिव्य आत्माएं अवतरित हो जाती है, जिन्होंने जीवन पर खून पसीना एक करके इतनी साधना सामग्री व संस्कार देकर आपको सुयोग्य बनाया, उसके प्रति सामाजिक कर्तव्य पालन अथवा उन पर पूर्वजों की प्रसन्नता, ईश्वर की प्रसन्नता अथवा अपने हृदय की वृद्धि के लिए सकाम एवं निष्काम भाव करने से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध से प्रेत आत्माओं का उद्धार इस जमाने में भी जो समझदार हैं एवं उनकी श्रद्धा श्राद्ध किया नहीं किया होता है, पितृलोक में नहीं प्रेत लोक में जाते हैं। वे प्रेत लोक में जब जाए हुए समझदार लोग समय लेकर अपने समझदार संबंधियों अथवा धार्मिक लोगों को आकर प्रेरणा देते हैं, हमारा श्राद्ध करो ताकि हमारी सदगति हो। राजस्थान के कस्तूर चंद गोड़िया में एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसकी गणना बड़े बड़े धनाढ्यों में होती है। उनके कुटुंबियों में किसी का स्वर्गवास हो गया, गडोरिया कर्म के कन्हैया लाल जी गाया जी ने उसका श्राद्ध करने गए, तब उन्हें वहाँ एक प्रेत आत्मा दिखी। उस प्रेत आत्मा ने कहा, मैं राजस्थान में आपके ही गांव का हूँ, लेकिन मेरी कुटुंबियों ने मेरी उत्तर क्रिया नहीं की है, इसलिए मैं भटक रहा हूँ। आप कन्हैया लाल गडोदिया सेठ अपने कुटुंब को श्राद्ध करने के लिए आए हैं, तो कृपा करके मेरे निमित्त भी आप श्राद्ध कर दीजिए। मैं आपके गांव का हूँ, मेरा हजाम का धंधा था और मोहन नाई मेरा नाम था। कन्हैया लाल जी की तो पता नहीं था कि उसके गांव का कौन सा नाई था, लेकिन उन्होंने उस नाई के निमित्त श्राद्ध कर दिया। राजस्थान वापस आए तो उन्होंने जांच करवाई, तब उन्हें पता चला कि थोड़े से वर्ष पूर्व ही कोई जवान मर गया था और वह मोहन नाई था। ऐसे ही एक बार एक पारसी प्रेतात्मा ने आकर हनुमान प्रसाद पोजारपुर से प्रार्थना की कि हमारे धर्म में तो श्राद्ध ही नहीं मानते, परंतु मेरे जीवात्मा प्रेत के रूप में भटक रहा है, आप कृपा करके हमारे उद्धार के लिए कुछ करें। हनुमान प्रसाद पूजा ने उस प्रेत आत्मा के निमित्त श्राद्ध किया तो उनका उद्धार हो गया, और उसने प्रभात काल में प्रसन्न वदन उनका अभिवादन किया था, मेरी सदगति हुई। श्राद्ध कर्म करने वाले कृतज्ञता के संस्कार सहज में दृढ़ होता है, जो शरीर की मौत के बाद भी कल्याण का
उपाय करते रहते हैं। श्राद्ध से देवता और पितर तृप्त होते हैं और श्राद्ध करने वालों का अंतःकरण भी तृप्त संतुष्ट का अनुभव करता है। बूढ़े जवान बुजुर्ग ने अपनी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया, तो उनकी सदगति के लिए आप भी कुछ करेंगे तो उसके हृदय में भी तृप्ति संतुष्टि का अनुभव होगा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ के कैद कर दिया, तब शाहजहाँ ने अपने बेटे को लिखा पत्र, धन्य है हिंदू जो हमारी मृतक माता पिता को भी खीर और हलवे पूरी से तृप्त करते हैं और तू जिंदे बाप का भी पानी की मटकी तक नहीं दे सकता। तुझसे तो हिंदू अच्छे हैं जो मृतक माता पिता की भी सेवा करते हैं। भारतीय संस्कृति अपने माता पिता या कुटुंबी परिवार का ही हित नहीं, अपने समाज और देश का ही हित नहीं, वरन पूरे विश्व का हित चाहती है। स्तोत्र श्राद्ध महिमा साहित्य। जय श्री राम।